हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स जैसे नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है, तो अगर वी आर वेरी लकी दैट वी हैव द नॉर्मल स्लीप पैटर्न, अगर हमें सही से नींद आ रहा है तो हमें बहुत लाकी मानना चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत पेशेंट है, ऐसे बहुत लोग हैं कि जिसको सही तरह से नींद नहीं आती, और नींद नहीं आना एक बहुत बड़ा बीमारी है। और ये बीमारी जैसे कंट्रोल होता है ब्रेन से, तो ब्रेन के नॉर्मल जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो कभी एक्साइटेड स्टेट में रहता है और कभी डिप्रेस स्टेट में रहता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो हमारे ब्रेन जो भी एक्साइटेशन रिलेटेड वर्क वो करता रहता है, और वही एक्साइटेशन अगर ओवर ज्यादा हो जाता है तो वो तो प्रॉब्लमेटिक फेज आता है हमारे जिंदगी में। जैसे सपोज कल आपके साथ एग्जाम है तो आप उसके लिए एंग्जाइटी ले रहे हो, सपोज आपको किसी भी बिजनेस में लॉस हुआ है उसके लिए आप एंग्जाइटी ले रहे हो, आप किसी भी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, और एज ए रिजल्ट हमें नींद नहीं आती, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो कॉन्डिशन को इंसोम्निया कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंसोम्निया दिस इज ए डिसऑर्डर। अब इंसोम्निया की अगर कैटेगरीज किया जाए तो इसे दो कैटेगरी से किया जाता है, एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जनरली सपोज एक रात नहीं हुआ, या मैक्सिमम टू तीन नाइट हो सकता है, कुछ ही बहुत ज्यादा कुछ सिचुएशन के बारे में या थिंकिंग के बारे में, लेकिन वो ऑटोमेटिक चला जाता है, तो उसके लिए कोई मेडिकल प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये कंटिन्यूअस फेज में अगर ये इंसोम्निया होता है कि सपोज ये फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नींद नहीं आ रहा, या उसके एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, उसके बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, तो वो उस टाइम पे जो सेकेंडरी इंसोम्निया है उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, और उस टाइम पे ही काम आता है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। तो सबसे पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के थोड़ा डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं बेसिक के बाद, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में भी जो भी ड्रग्स है केमिकल क्लासिफिकेशन वाइज, वो किस मैकेनिज्म में काम करते हैं हमारे बॉडी में सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट देता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सेडेटिव है, दैट इज ड्रग्स व्हिच कॉज कॉमनेस एंड डिप्रेस सीएनएस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ, दैट इज विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। सो दीज जैसे सेडेटिव, हमारे एक नॉर्मल परसेप्शन है कि सेडेटिव मतलब जो दवाई लेके सो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। सेडेटिव नॉर्मल जनरली होता है कि एज ए मेडिकल टर्म उसी दवाई को बोला जाता है जो आपके नॉर्मल जो भी एंग्जाइटी कॉजिंग प्रॉब्लम है या नॉर्मल डिस्टर्बिंग कॉजिंग प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कामनेस लाए, कि सीएनएस को थोड़ा डिप्रेस करे, इसके साथ साथ एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी दे, इसके साथ साथ वो स्लीप इंड्यूस ना करे। ठीक है, तो जनरली आपके ब्रेन क्या होता है कि नॉर्मल थोड़ा सा सेडेटिवनेस में आ जाता है। और हिप्नोटिक्स क्या होता है, सेम काम करते हैं लेकिन वो सेडेटिव के थोड़ा हाई डोज में, इसके साथ साथ वो स्लीप पैटर्न लाते हैं, दैट इज लाइक नेचुरल स्लीप। ओके, दैट इज लाइक नेचुरल स्लीप। तो ये नेचुरल स्लीप के बारे में अगर बात करें तो नेचुरल स्लीप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्मल जैसे दिन में 8 घंटे या 9 घंटे या किसी किसी के 7 घंटे या कुछ से भी कम होता है तो वो नेचुरल स्लीप होते हैं। अब स्लीप के भी अलग अलग ग्रेड है, नॉर्मल अलग अलग टाइम पीरियड है, कितने कुछ फेज है जिसके फेज पे बेस पे वो स्लीप कितने टाइम तक आपके बॉडी में रहता है, और उस स्लीप के सिचुएशन में कुछ ऐसे भी फेनोमेना या पैटर्न होता है, तो वो चीजें आप जनरली बीफार्म में पढ़ोगे। के साथ साथ मैं बताए तो जनरली 4-4 ग्रेड का होता है। जनरली अगर क्लासिफाई किया जाए तो 2 टाइप से REM, REM और NREM, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट, और दैट इज NREM, दैट इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, फॉर इंटरेस्ट में बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में स्लीप पैटर्न है नहीं। तो जनरली REM में 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। जो फर्स्ट फेज होता है जनरली नॉर्मल स्टार्टिंग के जो स्लीपिंग फेज है, जैसे लग रहा है आपको नींद लग रहा है, दैट इज फेज 1। और फेज 4 में हम बहुत गहरी नींद सोते हैं, और इसके साथ साथ जनरली क्या होता है उसी फेज में हमें ड्रीम वगैरह आता है। ठीक है, तो स्लीप पैटर्न के देखा जाए तो नॉर्मल अगर नेचुरल स्लीप टाइम कोई एजेंट या केमिकल एजेंट या ड्रग हमारे बॉडी में वो स्लीप ला रहा है, दैट इज क्लासिफाइड अंडर द हिप्नोटिक ड्रग, और उसे हिप्नोटिक ड्रग कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हर ड्रग के बेसिस पे, ड्रग के लो डोज पे जनरली वो सेडेटिव होता है और हायर डोज पे वही ड्रग हिप्नोटिक होता है, क्योंकि लोअर डोज पे वो क्या करता है कि सीएनएस को थोड़ा कम डिप्रेस करता है, और हायर डोज पे उस डिप्रेशन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नॉर्मल आपके जो मसल्स है उस मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने के साथ साथ एक स्लीप इंड्यूसिंग पैटर्न आप में आता है, और आप
गहरी नींद में नॉर्मल लाइक नेचुरल स्लीप पे आप सो सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेडेटिव हिप्नोटिक इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम अगर क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े तो जो भी ड्रग्स है वो क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज बारबिट्यूरेट के साथ साथ बेंजोडाइजेपिन एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो बारबिट्यूरेट ड्रग है, बारबिट्यूरेट जो भी ड्रग है उसमें सबसे ज्यादा लास्ट में टाल या टोन इस टाइप के ड्रग है, जैसे फेनोबारबिटोन, ल्यूटोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन, सेकोबारबिटोन, केप्टोबारबिटोन, ऐसे टाइप के जो भी ड्रग है वो बारबिट्यूरेट क्लास के ड्रग है। पर बारबिट्यूरेट ड्रग के क्लास CNS के इफेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, नॉट ओनली एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक, इसके साथ साथ और भी नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बारबिट्यूरेट यूज हो सकता है, ठीक है। तो बारबिट्यूरेट का क्लासिफिकेशन किया जाए तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो काम करता है उसके बेस पे फिर से तीन क्लासिफाई किया गया है, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब वो ज्यादा टाइम के लिए काम करते रहता है, सपोज वो जो स्लीप पैटर्न इंड्यूस करता है या सेडेटिवनेस यूज करता है दैट लास्ट फॉर मोर देन 8 आवर्स, तो उसे लॉन्ग एक्टिंग कहा जाएगा और उसमें ड्रग है फेनोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन। वैसे ही शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबारबिटोन, मेथोबारबिटोन और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायमेथोन और मेथोहेक्सिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरली 1 to 2 आवर्स के बेस पे ये काम करता है। इसके अलावा भी अगर मैकेनिज्म की बात करें बारबिट्यूरेट, तो बारबिट्यूरेट जनरली एक्ट होता है गाबा, GABA रिसेप्टर में, न्यूरोट्रांसमीटर है और ऐसा केमिकल है जो जनरली हमारे बॉडी में डिप्रेशन लाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन के साथ साथ वो जो गाबा ए रिसेप्टर के अगर स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, बी फार्म में पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से, तो गाबा ए रिसेप्टर में जैसे बारबिट्यूरेट एक्ट होता है उसके साथ साथ क्या करते हैं कि वो जो एक आयन चैनल टाइप रिसेप्टर है जिसपे 5 सब यूनिट है और उस चैनल को जनरली वो ओपन करके रखता है और ऐसे ओपनिंग पे क्या होता है और वहां पे रहता है क्लोराइड चैनल। तो क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, ठीक है। तो जैसे ही क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, क्लोराइड इज अ इनहिबिटरी आयन्स, तो वो क्या करता है कि जो भी एक्साइटेशन है ब्रेन के उसे इनहिबिट करता है और हमें एक कामनेस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना है कि बारबिट्यूरेट कैसे काम करता है, दैट बाइंड्स टू द गाबा ए रिसेप्टर एंड प्रोलोंग्स द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को बढ़ाता है और एज ए रिजल्ट क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है और क्लोराइड के इन्फ्लक्स होते के साथ साथ हाइपरक्लोराइजेशन के साथ साथ वो एक्शन पोटेंशियल को कम करता है और एक्शन पोटेंशियल ही है वो चीजें जो हमें जनरली सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन तक, तो ब्रेन तक वो प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचाता है, एज ए रिजल्ट आपके मसल्स रिलैक्स हो जाता है, आपके आई रिलैक्स होता है, आपके ब्रेन रिलैक्स होता है और आप अच्छी तरह से सो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्लास है दैट इज बेंजोडाइजेपिन और इसे शॉर्ट फॉर्म में BJDSB कहा जाता है, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन्स तो ये क्लास के ड्रग है क्योंकि बेंजो और डाइएजेपिन दो न्यूक्लियस एक साथ जुड़ा है केमिकल के स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसे बोला जाता है बेंजो डाइएजेपिन, ठीक है। बेंजीन रिंग 6 मेंबर, डाइएजेपिन रिंग 7 मेंबर, जहां पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन 1 and 4 पे है, इसलिए बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन के ड्रग्स में है डाइजेपम, लोराजेपम और नाइट्राजेपम, इसके साथ साथ क्लोनाजेपम, फ्लोराजेपम, ऐसे भी कुछ ड्रग है जहाँ पे जनरली जैसे हमने देखा था कि बारबिट्यूरेट के ड्रग्स में लास्ट में टोन टोन ये नाम आते हैं और यहाँ पे जब भी डाइजेपम में आता है तो यहाँ पे पाम पाम ऐसे टाइप का वर्ड आता है, जैसे डाइजेपम, फ्लोराजेपम, क्लोनाजेपम, नाइट्राजेपम, तो जेपम जेपम वर्ड आता है। बेंजोडाइजेपिन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये जनरली गाबा ए रिसेप्टर में ब्लॉक बाइंड नहीं होता है, लेकिन इसके जो भी एक्शन वो भी गाबा ए रिसेप्टर मीडिएटेड ही होता है, ठीक है। तो गाबा ए रिसेप्टर में इसके साथ साथ BJD रिसेप्टर भी रहता है, दैट इज बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। तो बेंजोडाइजेपिन काम क्या करता है कि बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे ब्लॉक होता है और रिसेप्टर पे बाइंड होता है और जो क्या करता है कि गाबा को इनहिबिट करता है और गाबा जैसे रिसेप्टर है उसे जो भी क्लोराइड चैनल है उसके जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता है, मतलब जैसे बारबिट्यूरेट क्या करते हैं कि क्लोराइड चैनल को बहुत लंबे टाइम के लिए ओपनिंग रखता है और बेंजोडाइजेपिन क्या करता है कि वो बार बार ओपन करता है, जैसे बार बार ओपन करता है तो साथ ही साथ क्या होता है कि नॉर्मल क्लोराइड आयन उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्फ्लक्स होता है और हाइपरक्लोरेशन स्टेट हमें देखने के लिए मिलता है। तो लास्ट जो भी क्लास है नॉन बेंजोडाइजेपिन, मतलब ये न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन भी बोला जाता है, ये न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग्स है और जनरली वो
बेंजोडाइजेपिन लाइक काम करते हैं लेकिन वो बेंजोडाइजेपिन है नहीं, ठीक है। उसमें ड्रग है जॉर्पिडेम, जालेप्लोन एंड जोपिक्लोन। ये ड्रग्स आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। जनरली क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से क्लास का ड्रग है, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नॉन बेंजोडाइजेपिन के क्लास है जहाँ पे ये क्या काम करता है कि सिंपल वो भी गाबा के रिसेप्टर में बाइंड होता है, लेकिन गाबा एक अल्फा वन सब यूनिट पर बाइंड होता है और ये अल्फा वन सब यूनिट वाला गाबा ब्रेन के हर जगह पे नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में भी होता है और उसी जगह पे ये नॉन बेंजोडाइजेपिन लाइक जोपिक्लोन, जोलपिडेम और जालेप्लोन ऐड होता है और वो ऐड होके क्लोराइड चैनल को ओपनिंग करके सिमिलर प्रोसेस से वो क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है ड्यू टू द हाइपरपोलराइजेशन स्टेट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने एसिडिटी और हिप्नोटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि ये ड्रग्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साथ साथ इसके जो भी क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन वाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखा। तो नेक्स्ट क्लास हम इसके भी जो भी इंडिविजुअल एजेंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है वो इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उसके डोसेज फॉर्म, यूजेस, प्रॉपर्टीज, वो चीजें हम देखेंगे। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है या कोई भी मेरे लेक्चर को सुधार करना है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।